हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाला सईद मुश्ताक अली T20 कप का मैच खेलेगा गुजरात और से हैदराबाद का मैच खेलेगा, और ये मैच आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए अच्छा रहेगा, तो आप लोग इन्वेस्ट जरूर से करें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस मैच का टीम चाहिए बंगाल वर्सेज कर्नाटक का। आप लोग मुझे बताना कमेंट किया आपको इस मैच का टीम चाहिए या नहीं चाहिए अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं इसका मतलब जो है ना वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पर टीम भी दे दूंगा। तो सबसे पहले बात करते प्लेइंग बैटिंग ऑर्डर, और साथ ही यही नहीं, इस वीडियो में मेरी वन ऑफ द फेवरेट साइड फैन 11 की भी टीम दूंगा। बहुत ही चीप है फैंटेसी मार्केट में, मतलब कि दो सालों से है, और साथ ही यही नहीं, इस ऐप पे बहुत ही ज्यादा स्मूथनेस है। तो एक बार जरूर से ट्राई करना। फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 100% बोनस और 0% कमीशन यहाँ पे, और जो 0% जो कमीशन है ना उसमें भी आप बोनस यूज कर सकते हो। तो जरूर से ट्राई करना, यहाँ पे कोई भी कीट नहीं है, अपने मनपसंद प्लेयर को पिक कर सकते हो। तो जरूर से ट्राई करना, 0% कमीशन है, और साथ ही यहाँ पे मैक्सिमम विड्रॉ टाइम सिर्फ 2 घंटे से मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना। हालांकि 10 से 5 मिनट में ही आ जाता है विड्रॉ, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम नॉर्मल विड्रॉ की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, जो फाइनल टीम टेलीग्राम पे सही, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे में चाहे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकता है या फिर कोई भी नया प्लेयर ऐड हो सकता है, तो उनका उसका मतलब इन्फो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो सारे अपडेट्स को टेलीग्राम पे क्लियर कर दो, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा फाइनल टीम और टिप्स के लिए। जहाँ पे करंटली 11,600 सब्सक्राइबर, तो आप टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा फाइनल अपडेट्स के लिए। आप सीधा कमेंट बॉक्स लिंक से आ जाओ, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आ जाओ, मेरी बात हो तो कमेंट बॉक्स लिंक ओपन करो, पहले वाले लिंक पर क्लिक करके आप रियल टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे करंटली 11,600 सब्सक्राइबर, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर, किसी को सर्च करना हो तो टेलीग्राम पे सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हैं फैंटेसी 11 टीम FANTASY11 बिना स्पेस देखने लिखना, फिर टीम लिख देना, आप चैनल देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा फाइनल टीम और टिप्स के लिए, और ये सारे मैचेस के वीडियो भी अपलोड है, तो ये सेवा के चेकआउट कर लेना। तो टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा, डेडलाइन से 15 मिनट पहले आपको मतलब कि फाइनल टीम दे दूंगा स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की, तो रियल टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी के अलावा मतलब कि इस मैच का डेडलाइन है 1 बजे, तो आपको 12:30 पर आपको मैं मतलब अपडेट दे दूंगा टॉस रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट, तो टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं अब मैच डिटेल से। दोस्तों, ये मैच रहेगा, अब मैं बता दूँ ये वेन्यू खेला जाएगा जहाँ पे दिल्ली में मैच खेला जाएगा, और बता दूँ ये इंडिया से टाइम के हिसाब से दोपहर को 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। वही मतलब पिच रिपोर्ट बता दूँ, ये जो विकेट है जो इस मतलब ये जो अभी करंटली जो विकेट है ये थोड़ा सा मतलब कि बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अपने टीम में बैट्समैन जोर से मतलब कि पिक करना, हालांकि पिच न्यूट्रल लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बैट्समैन इंजॉय करते हैं। तो अपने टीम में ऑलराउंडर सबसे इंपॉर्टेंट है और साथ बैट्समैन, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देख लीजिए पिच रिपोर्ट, थोड़ा सा बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। बात करते हैं गुजरात की टीम से जो ओपन करेंगे, हालांकि प्रोविल के आधार पर बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि कन्फर्म ऐसा होना चाहिए, कोई प्लेयर आउट हो सकते हैं, कोई प्लेयर इन हो सकते हैं, तो ध्यान रखें। यहाँ पे सौरभ चौहान ओपन करेंगे, और यहाँ पे उर्वी पटेल के साथ ओपन करेंगे, उसके अलावा ढेर अवेल खेलते रहिए वन ठीक करेंगे। फोर्थ नंबर हिट पटेल, जो कि दोस्तों एक ऐसा प्लेयर जो कि कॉन्स्टेंट बहुत रहता है बंदा, टीम से विकेट कीपिंग कर रहा है। उसके अलावा रिपेल पटेल खेलते ना चाहेंगे, उसके चिराग गांधी टीम से इतना बैटिंग करेंगे, पीयूष चावला मतलब ऐसे इतना बैटिंग करें प्लस कन्फर्म चार हो पाएंगे, हार्दिक पटेल खेलते ना चाहेंगे, उसके अलावा रोहसक यहाँ पे खेलते ना, रोहसक अलरिया जो कि टीम से ना इतना बैटिंग प्लस कन्फर्म ओवर पाएंगे, उसके अलावा चिंटन गैरेज खेलते टीम से इतना बैटिंग, तेजास पटेल। तो दोस्तों, ये होना चाहिए गुजरात के प्लेइंग विद बैटिंग, और अगर इससे कोई चेंजेस हो सकता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फो कर दूँ, उसकी चिंता आप मत करना। हालांकि प्रोवेल कहती है यही होना चाहिए और बैटिंग ऑर्डर भी यही होना चाहिए। बात करते हैदराबाद की टीम की तरफ से, दोस्तों ओपन करेंगे टीम के विकेट कीपर सैपरेंगे रेडी जो कि ओपन करेंगे, तनमय अग्रवाल के साथ ओपन करेंगे जो कि टीम्स कैप्टनसी कर रहे, बहुत ही टैलेंट है, और पिच भी क्या है बैटिंग फ्रेंडली, तो डेफिनेटली आज के मैच आपको एज अ ट्रम कार्ड रहेंगे। इनफैक्ट आपको सीबी से ट्राई करना चाहिए। तलक वर्मा खेलते ना टीम की तरफ से वर्णन बैटिंग करेगा, फोर्थ नंबर पर हिमालय अग्रवाल खेलते ना चाहेंगे, उसके अलावा फिफ्थ नंबर पर आपको वहां के संदीप खेलते ना चाहेंगे, राहुल वोटे खेलते जाएंगे, सिक्स नंबर पर टी रवि तेजा खेलते ना चाहेंगे, तनमय आपको खेलते बैटिंग कर ले प्लस ओवर भी पा लेंगे, उसके अलावा चेयरमैन खेलते ना टीम के ना बैटिंग करे प्लस कन्फर्म 4 ओवर, उसके लिए एंग सेंटिकेट खेलते ना आएंगे 10th नंबर पे, उसके अलावा आपको खेलते हैं टेरी सिंह गुप्ता खेलते ना चाहिए आएंगे कन्फर्म मतलब कि 4 ओवर पाते प्लस डेथ ऑफ स्पेशलिस्ट है, तो ध्यान रखिएगा। एंड बात करते हैं फैंटेसी टीम में मतलब ऐसे 4 प्लेयर लेने, ये जो 4 प्लेयर का भी नाम लूंगा ना ये आपके लिए सबसे मस्ट ऑफ ऑप्शन रहेंगे आपकी फैंटेसी टीम में। इनफैक्ट कैप्टन कैप्टन रोटेट करना है और थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है ग्रैंड लीग टीम में आपको ट्राई करना है। तो पहला नाम निकल कर आता है गुजरात की टीम की तरफ से उर्वी पटेल का, दूसरी टीम ऐसा प्लेयर जो टीम लास्ट 5 मैचेस में इन्होंने 118 स्कोर कर रखे प्लस इनका जो मतलब कि स्ट्राइक रेट है 163 के स्ट्राइक रेट, बहुत अच्छा टीम की तरफ से आपको डेफिनेट ट्राई करना चाहिए। उसका हेड पटेल टीम की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनका लास्ट अगर 3 इनिंग आप देखोगे ना तो टीम की तरफ से 88 स्कोर भी कर चुके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी मतलब 122 का स्ट्राइक रेट भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, 2 रन बैटिंग कर लेगा, टीम से कॉन्स्टेंट भी है और पिच भी बैटिंग फ्रेंडली। उसका टीम क्या हैदराबाद की टीम से कैप्टनसी जो कर रहे हैं तनमय अग्रवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनका अगर लास्ट 5 मैच देखो तो लास्ट 5 मैचेस में इन्होंने मतलब कि 3 रन स्कोर इन्होंने खड़ा कर चुके प्लस इनका जो एवरेज है मैं बता दूँ स्ट्राइक रेट है इनका मतलब कि 151 का स्ट्राइक रेट है, और यहाँ पे इनका जो एवरेज है 75 का एवरेज है, तो अपने टीम में जोर से ट्राई कर लीजिएगा लास्ट 5 मैचेस में
302 रन स्कोर कर दिए, इसे समझ सकते हो पीछे बैटिंग फिनाले। उसका चैमिन है मिडलैंड जो कि टीम से बॉलिंग पाएंगे, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टीम की तरफ से, आपको डेफिनेट ट्राई करना चाहिए। अगर इनका मैच देखोगे लास्ट, तो लास्ट 5 मैचेस में इन्होंने 16 विकेट अपने नाम कर चुके, 5 मैचेस के लिए 16 विकेट, यानी इसे समझ सकते हो हर मैच 1 से 2 विकेट लेके आ रहे हैं। तो इन चार प्लेयर्स को जूसर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और ना बात किसी टीम से, बाकी जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन के लिए फर्स्ट कमेंट ओपन करना, उस पर एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, उस पर क्लिक कर रियल टेलीग्राम ज्वाइन कर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आ जाएगा आपको ऑफिशियल ज्वाइन कर, तो लिंक से ही आएगा, सर्च करने में बहुत से फेक चांस आ जाते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सीसर टीम से, अभी मैं इस मैच का वीडियो दे दूँ, अगर आप मुझे कमेंट के बताओगे तो मैं उस मैच को भी कवर कर दूँ, क्योंकि वो मैच भी अच्छा इन्वेस्टमेंट का, ऐसी बात नहीं है। आपके विकेट कीपर सेक्शन लिखे दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक जोर से कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और एकदम फ्री है, तो वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिए, चाहे सब्सक्राइब कर रख लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस के लिए हर आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना यहाँ पे, आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगा। अब देखो यहाँ पे एच पटेल है और 2 डाउन बैटिंग करेंगे टीम की तरफ से, और ये ओपन करता है, आप किसके साथ जाना चाहते हो? देखो पॉसिबल तो दोनों ही कॉन्स्टेंट है, ऐसा नहीं है दोनों ही अच्छे प्लेयर टीम की तरफ से, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एच पटेल के साथ ही जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद है जो ओपन करेंगे टीम से, डेफिनेट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करेंगे। बैटिंग से सर टी अग्रवाल के साथ जा रहे हो, पी पेंचल को ट्राई कर सकते, अच्छा प्लेयर टीम की तरफ से। उसका नीचे होगा थोड़ा सा आपके पास ऑप्शन, यहाँ पे चिराग गांधी लोग एवरेज ऑप्शन है, एच अग्रवाल फोन ना बैटिंग करेंगे, नीचे होगा तो कुछ खास अच्छे ऑप्शन, तो हम ऊपर से उठा लेते पी पेंचल को पिक कर लेते टीम में, और बी संदीप को पिक कर लेते हैं। तो ये मेरे प्रोवेल लाइनअप में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं नहीं पिक करना चाहता हूँ। इसका थोड़ा सा नीचे स्कोर डाउन का तो आपको देखा उर्वी पटेल, मैंने आपको बोला था एक मस्ट ऑफ ऑप्शन 8 किट का ही प्लेयर है, बट टीम से बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, तो मैं भी कवर कर ले रहा हूँ। मैं पर्सनली बोला तो सिर्फ 5% सिलेक्शन है, बट पर्सनली ये सबसे बेटर ऑप्शन है, उसका उर्वी पटेल ले लेता हूँ। नीचे होगा तो आपके पास है, मैं आपको बताता हूँ एक ऑप्शन मैंने बोला था आपको एस चौहान, आप इसे ट्राई कर सकते हो, ओपन करिए टीम से अच्छा प्लेयर है, ऐसा आपको डेफिनेट ट्राई भी करना चाहिए। बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा, आपको पता है मैं हमेशा बताती लॉजिक लगा के थोड़ा सा टीम बनाता हूँ, इसलिए मैं अभी क्लियर फिर फाइनल टीम में मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। देखो बी संदीप को तो पिक नहीं करो, फिर ना बैटिंग है दोस्तों, आप पिक कर सकते हो क्या? अब पिक करना तो कर लेना, मैं उतना प्रेफर नहीं कर रहा जितना कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ के पटेल, जो कि बहुत अच्छा प्लेयर टीम के तरफ से, आप डेफिनेट ट्राई करो। टीम अभी के लिए मैं पिक करना चाहता हूँ, देखो के जो आपको दिख रहा है ना के पटेल बॉलिंग भी पा सकता है, अच्छा प्लेयर टीम के तरफ से, जैसे वाई ठाकुर ने पाया था ना आपको याद होगा मैच, उसी तरह से ये भी पा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको डाउट क्लियर करूंगा टेलीग्राम पे मैं। तो विकेट प्रोवाइड के हिसाब से मैं अभी के लिए जाना चाहता हूँ पर्सनली तो एस चौहान, अदरवाइज मैं टी वर्मा से जो कि वनडर बैटिंग करेंगे, अच्छा प्लेयर टीम से मैं कवर कर ले रहा हूँ, अदरवाइज के पटेल भी अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा पीयूष चावला इंपॉर्टेंट है, मस्ट ऑफ ऑप्शन खेलते हुए जब भी आएगा, हनुमा विहारी मेरे लाइन में फिट नहीं बैठे, अगर खेलेंगे तो पिक कर लेना। आर पटेल अच्छा है, यहाँ पे पिक कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, खेलते हुए आपको नजर आ ही जाएगा, तो कवर कर सकते हो। उसके अलावा नीचे आपको टी रवि रेजा पिक कर सकते, अच्छा प्लेयर टीम की तरफ से, फिर इतना बैटिंग कर ले और ये सेवन है बैटिंग, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, फिर इतना पे सेवन है बैटिंग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके अलावा नीचे कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं, फिर सिवाय मतलब एच पटेल को पिक कर सकते हो, अच्छा प्लेयर टीम की तरफ से आप खेल सकता है, बट उतना कुछ खास नहीं जितना कि ये तीन ऑप्शन बेटर है। बॉलिंग से देखो मोहम्मद रास्ता है नहीं, सी मिलेंडर मैंने अपने लिखे चार मतलब ऐसे टॉप पिक्स में भी रखा था, तो इससे एक मस्ट ऑफ ऑप्शन है, से मात्र 5 मैचेस खेले, 5 मैचेस में इन्होंने 16 विकेट अपने नाम कर चुके, यार देख रहे हो हर मैच ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो डबल ट्रिपल विकेट लेके जा रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टीम की तरफ से। 5 मैचेस में कहां 5 मैच है और 16 विकेट, तो समझ सकते हो। उसका टी पटेल ले सकते हो, लेकिन उतना प्रेफर नहीं करो, नीचे थोड़ा सा हो गए तो आपके पास ऑप्शन है हार्दिक पटेल, अच्छा प्लेयर टीम की तरफ से, एक मस्ट ऑफ ऑप्शन है, आप कवर कर लो। उसके अलावा आर के लिए आप ले सकते हो, इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा, मैं फिलहाल के थोड़ा सा नीचे देख लेता हूँ, पहले नीचे कोई भी अच्छा ऑप्शन है तो मैं मेरी टीम में सी एस मेहदी हासन अच्छा है, बट नहीं खेलेगा शायद, हमें केड नहीं देख रहा, हमें प्लेयर देख रहा है और प्लेयर का फॉर्म देख रहा है। आर के लिए अच्छा ऑप्शन टीम की तरफ से, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, एंड जो ये फाइनल प्लेयर मैं तो देखो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके स्पेयर के साथ जाते हो, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा विकेट कीपर सेक्शन में, ऐसा क्यों मैं आपको भी बताता हूँ दोस्तों। पिच थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली है, तो एक मस्ट ऑफ ऑप्शन है एस पेरेगिन, आपको डायरेक्ट ट्राई करना चाहिए टीम की तरफ से, अच्छा प्लेयर आपको, देखो इनका अगर देखोगे करंटली फॉर्म भी सही चल रहा है, तो आपको डेफिनेट ट्राई भी करना चाहिए, तो आप इनको अपने 1000 पॉइंट पिक यूज़ कर सकते इस मैच में। तो दोस्तों ये मेरी डेमो टीम के साथ में जाऊँगा, साय पेरेगिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्यों दोस्तों? क्योंकि टीम के साथ ओपन करेगा प्लस विकेट कीपिंग करेगा, तो ये सबसे बड़े लिए प्लस पॉइंट है। और मेरी डेमो टीम देखो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन सा मिल रहा होगा, हाँ इस टीम के साथ विन करी, देखो आपको देखने से मिल रहा होगा सेटिस्फेक्शन, हाँ इस टीम के साथ विन करेंगे, क्योंकि देखो ये ओपन करेगा, ये फोर ना बैटिंग करेंगे, ये मतलब कि ओपन कर टीम कैप्टनसी कर रहे, टी वर्मा वन बैटिंग करेंगे, यू पटेल टीम की तरफ से ओपन करेंगे, टी रवि तेजा जो टीम की तरफ से बैटिंग करेंगे, आर पटेल फिर बैटिंग करेंगे, पीयूष चावला टीम से बैटिंग धोनी करेंगे टीम की तरफ से।
बॉलर उसे आपको पता है, हालांकि बैटिंग करने के लिए सैंदा में मेंशन किया गया है, कर सकते हैं ध्यान रखें। सिम लिंडा टीम से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, आर यहाँ पर हार्दिक पटेल टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और आर के लिए तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे टीम में कवर हो चुका है। और मेरी डेमो टीम मुझे काफ़ी परफेक्ट लगी, खुद से देखो काफ़ी परफेक्ट है। बात की कैप्टन कैप्टन तो आपने अभी तक देखा, मैंने बोला था 5 मैचेस में इन्होंने 302 रन के स्कोर भी खड़ा कर चुके हैं, मात्र 5 मैचेस खेले 302 रन स्कोर कर चुके हैं। कैप्टनसी करें और पिच बैटिंग फ्रेंडली तो आंख मतलब कैप्टन जा सकते हो, लेकिन वाइस कैप्टन आप किसके साथ जाना चाहोगे मुझे कमेंट के बताना। लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल रहा कि टी अग्रवाल इस मैच में भी चलेंगे, देखना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे तो नहीं बनेगी बात। वाइस कैप्टन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ पीयूष चावला के साथ, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो या फिर एच पटेल को ट्राई कर सकते हो ग्राले की टीम में, तो एच पटेल जो उसे ट्राई कर लेना। यू पटेल हैज़ अ मैंने पंट पिक यूज़ किया और साथ ही बता दूँ ये जो यू पटेल हैज़ अ पंट पिक है मेरे लिए, क्योंकि बहुत कम लोग अपोनेंट लेके आए गए, सब मतलब कि किसी और प्लेयर को लेके आए गए, बट यू पटेल बेटर हो सके ओपन करेगा कन्फर्म उसका। कोई चेंजेस आप टेलीग्राम पे इन्फो कर दूँ तो उसकी चिंता आप मत करना, अभी तो मैं प्रोमोल के आधार पे बना दिया हो, लेकिन इस पर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकता है तो आप उसका टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं सीधा सीधा फाइनल 11 टीम से, जो कि बहुत ही अच्छी है। बाकी टेलीग्राम जो है तो इस बात का ध्यान रखा, मिनिमम वहाँ पे 11,600 सब्सक्राइब होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अभी मुझे दूसरे मैच का टीम भी देने जाना है, टॉस होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो खत्म करते हैं। पहले बात इसका डाउनलोड लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो और कमेंट बॉक्स में पिन कर दो, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी ऐप है, जो उसको ट्राई करना बहुत ही अच्छी ऐप है। 0% कमीशन और उसमें भी आप बोनस यूज़ कर सकते हो, बस रेफर कोड F11 का साइन अप करोगे तो आप हमारे फैमिली में बन जाओगे, प्लस आपको मतलब कि 100 रुपये खेलने के लिए मिलेगा, प्लस में आपको मतलब और भी बेनिफिट्स देगा और हर एक गेम में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो रेफर कोड F11 जोर से यूज़ कर लीजिएगा जिससे आप ही को बेनिफिट्स मिलेगा। इस ऐप की सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी क्रिकेट नहीं और यहाँ पर एक बैट्समैन लेकर आप चल सकते हो, लेकिन ये बात नहीं, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मतलब कि डेडलाइन खुद पे शो करती है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स मेरे लिए रहता है, क्योंकि कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। आप आओगे इस ऐप पे चेक करोगे डेडलाइन कितना बजे है, आप लोग अलार्म सेट करके रख लोगे, तो इसलिए मुझे ये पर्सनली फेवरेट लगती है। देखो जोर से ट्राई करना बहुत ही अच्छे पे, स्मूथनेस वाले नंबर 1 ऐप है, तो जोर से ट्राई करना, बहुत ही स्मूथ ऐप है। बात करती है यहाँ की टीम से, तो ये नीचे मैच है आप देख सकते हो, बंगाल वर्सेस कर्नाटक, गुजरात वर्सेस हैदराबाद, ये रहा डेडलाइन 11:00 शो कर रहा है। यहाँ की टीम से बात की, स्मूथनेस बहुत ऐप, अगर आपके यहाँ कम इंटरनेट स्पीड चलता है ना, बहुत ही ज़्यादा कम, फिर भी ऐप नंबर 1 काम करेगी, तो जो उसको ट्राई करना, और बहुत ही हाई इन्वेस्टर के सबसे बेस्ट ऐप है, कंपटीशन ना के बारे में 0% सिलेक्शन, तो देख सकते मतलब कि अपॉइंट ट्राई नहीं करते। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, देखो इनका शॉर्टकट नेम भी लिखा है और नीचे फुल नेम भी लिखा है, यानी सबसे बड़ा बेनिफिट्स यही रहता है। एच पटेल को भी पिक कर लेता हूँ मैं अपनी टीम में, विकी पे बात करता हूँ, बी संदीप को नहीं लूँगा मैं, पी पिंचल को पिक करना चाहिए टीम की तरफ से, बट खेलेगा नहीं अभी, खेलेगा तो पिक कर लेना। टी वर्मा को पिक कर लेता हूँ टीम से, ओनर बैटिंग करेगा, उसके अलावा नीचे होगा तो थोड़ा सा ऑप्शन आपके पास और भी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उर्वी पटेल है, और साथ ही साथ नीचे होगा थोड़ा सा तो यहाँ पे टी अग्रवाल है, पिक कर सकते हो, इतना प्रेफर नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, मैं भी पिक करना चाहता हूँ टी वर्मा को। आपके पास नीचे ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, मैं टी वर्मा को यहाँ पे पिक करूँ, यहाँ पे टॉप ऑर्डर पे लिखा गया, ठीक है। बात करते हैं ऑनर सेक्शन, तो ऐप बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, बहुत ज़्यादा, हनुमान बिहारी खेले के रही, पीयूष चावला, आर तेजा सेना बैटिंग करेगा, उसके आर पटेल टीम से फोन फिर बैटिंग करेगा, नीचे कोई भी अच्छी ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग से सीम लिंडा और मोहम्मद सिराज सहनी, हार्दिक पटेल, और नीचे हो गए तो आपके पास एम हासन है, ठीक ठाक प्लेयर है, खेलेगा तो ऐसे नहीं प्रॉब्लम के हिसाब से, बट फिर भी एक टीम से अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा अगर बात करोगे यहाँ पे तो थोड़ा नीचे हो गए तो आपके पास ऑप्शन और भी है, मैं पिक करना चाहता हूँ पर्सनली अभी के लिए आर के लिए, और मेरी डेमो टीम बन चुकी है और यहाँ की टीम भी सेम ही है, बस अभी क्या बात है रखिए, कोई भी क्रिकेट अगर आप चाहो तो अनएक्सपेक्टेड आप भी कर सकते हो, किसी और प्लेयर को ड्रॉप करके आप यहाँ एक्स्ट्रा बॉलर्स ले सकते हो, एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स ले सकते हो, इसके बाद टीम अग्रवाल के ड्रॉप मतलब पिक करके अपना काम भी चला सकते हो, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। तो दूसरी ये मेरे स्मॉल चीज यहाँ पे, मैं स्मॉली खेलूंगा फाइनल पे, मैं आपको हाईली प्रेफर करूँगा फाइनल पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि फाइनल में इन्वेस्ट करने का फायदा है 0% कमीशन, आपका कमीशन बच जाता है, और यही नहीं आपको मतलब फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस, जो इंटरनेशनल मैचेस है यहाँ पे आप ग्रैंडली इजिली विन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ना के बराबर है और ग्रैंडली कंफर्म है, तो एक बार जो सो ट्राई करना, कंफर्म विनिंग प्राइस फुल है, तो जो सो ट्राई करना। बात के कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, तो मेरा कैप्टन भी लिखे पीयूष चावला है वाइस कैप्टन, टी अगर मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि मेरा कैप्टन कैप्टन कंफर्म है, आप इस डेमो टीम के साथ अभी जाके कॉन्टेस्ट बुक करो, लेकिन फाइनल टीम में कुछ मैं चेंजेस जोर से करूँगा, जो कि आपको ही पता है मैं कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट उठाता हूँ उसका, मैं अपडेट टेली यहाँ पे करूँगा, मैं आपको हाईली परफेक्ट फाइनल पे जोर से इन्वेस्ट करा, जो हाई इन्वेस्टर उसके सबसे सबसे नंबर 1 ऐप है, तो जो सो ट्राई करिएगा, रेफर कोड एफ के साथ आप साइन अप कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरी स्मॉल टीम फाइनल 11 की, और ये है मेरी ड्रीम टीम जिसके साथ मैं ड्रीम पे खेलूंगा, टीम सही लग रही है, आप सेम टीम के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो काफी परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रही है, तो इस टीम के साथ इन्वेस्ट करना सेम टीम को यूज करते हुए, बस कैप्टन कैप्टन का ध्यान रखना, कंफर्म नहीं कि मैं टी अगर वाले हैज़ कैप्टन ही जाऊंगा, अगर इसको कोई चेंज तो टेलीग्राम पे इन्फो कर दूंगा, और ये मतलब हमारा टेलीग्राम चाहिए तो रियल टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लिए, फाइन टीम और टिप्स के तो टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा।
अगर आप ऑफिशियल ज्वाइन करें तो आप टेलीग्राम मतलब ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं सीधे लिंक कमेंट बॉक्स लिंक से जो कि कमेंट पिन मिलेगा उस पर क्लिक करके टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो डाउट है नीचे कमेंट कर देना। तो कितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, जब मैं वीडियो शूट करा था 11.5K ही थे एंड अभी देख रहे हो कुछ देर में 7K भी हो जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट देखें, धन्यवाद दिल से। बताइए आप लोग इतना अच्छा प्यार सपोर्ट दिखाते हैं, मैं बोल नहीं सकता। सभी को दिल से थैंक यू।